हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 24 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 3rd सितंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइंगल्स, जिसका नाम, आज की वर्कशीट का टॉपिक का नाम है सिमिलर ट्राइंगल्स एंड इंट्रोडक्शन। आपको सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आज दे रखा है। बहुत आसान वर्कशीट है और बहुत ही इजी, मतलब इजी क्या, आप अगर चैप्टर देखो ना तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा एनसीईआरटी का, ठीक है, लेकिन ये बहुत आसान है। देखो यहाँ आपसे कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्गुरेंसी एंड सिमिलैरिटी। कॉन्गुरेंसी आप 9th क्लास में भी करके आए हो, सिमिलैरिटी भी करके आए हो, आज आपको यही उन दोनों चीजों के बीच का डिफरेंस बता रखा है। क्या डिफरेंस है चलो देखते हैं, एग्जाम्पल से बता रखा है, पहले एक बार वर्कशीट देख ले। देखो ये है आज की वर्कशीट, से फिलिंग द ब्लैंक्स है, कुछ फिगर्स दे रखे हैं उसको बताना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, टू फिगर्स आर सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट दे मे और मे नॉट हैव सेम साइज। कह रहा है कोई सी भी दो फिगर जो है ना वो सिमिलर हो सकती है अगर उनकी शेप एक जैसी हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका साइज सेम हो, बस शेप एक जैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग फोटोज आर सिमिलर बट नॉट सेम, ये सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ना वो कह रहे हैं सिर्फ शेप एक जैसी होनी चाहिए, साइज से कोई मैटर नहीं करता है, यहाँ पर साइज छोटा बड़ा भी हो तो भी चल जाएगा, शेप एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दो फिगर दी जाए ना तो आप क्या करो, सिर्फ उनकी शेप देख लो, अगर उनकी शेप एक जैसी है ना तो वो सिमिलर है, साइज नहीं मैटर करेगा, ठीक है। अब बात आती है क्या कॉन्गुरेंसी में यही लगता है, जो कॉन्गुरेंट फिगर होती है उसके लिए भी यही रूल है, नहीं, थोड़ा सा अलग है। वो क्या, टू फिगर्स या फिर पॉलीगन्स आर कॉन्गुरेंट इफ दे हैव सेम शेप एज वेल एज सेम साइज। वो दो फिगर कॉन्गुरेंट कहलाएंगे जिनकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। यहाँ पर शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन सिमिलर में सिर्फ क्या होता है, शेप सेम होनी चाहिए, साइज का मैटर नहीं करता है। एग्जाम्पल दिया है पेयर ऑफ इयर रिंग्स, दोनों कानों के अगर हम इयर रिंग्स देखें, देखो मैंने पहन रखे हैं, दोनों के सेम ही है, सेम होंगे ना, तो इनका साइज भी तो सेम होगा और शेप भी तो सेम होगी, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। बुक, बुक के पेज ले लो, आप अपनी बुक खोलो मैथ्स की, दोनों के पेज के शेप और साइज सेम ही तो होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि बुक में एक पेज जो है वो बड़े साइज का और एक पेज जो है वो छोटे साइज का है, ऐसा नहीं होता ना, तो ये है कॉन्ग्रुएंट। क्लियर हो गया सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी के बीच का डिफरेंस, क्लियर हो गया। चलिए अभी आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन दिया है पहले ये कर लेते हैं फिर इस टॉपिक को समझेंगे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर, बताओ इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है कॉन्ग्रुएंट फिगर का। तो जिसकी शेप और साइज सेम है वो है, जिसकी नहीं है वो नहीं है, देख के ही मुझे पता चल रहा है ना, फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट है ना, थर्ड है ना, फोर्थ है ना ही सेकेंड है। देखो फर्स्ट वाले में अगर आप देखो ना तो इनकी शेप एक जैसी नहीं है, साइज तो एक जैसा होगा पर शेप एक जैसी नहीं है। सेकंड वाले में देखो तो साइज एक जैसा नहीं है, थर्ड वाले में देखो तो साइज एक जैसा नहीं है, फोर्थ वाले में देखो तो साइज एक जैसा नहीं है, शेप एक जैसी है, तो इनमें से कोई भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, यहाँ आइडेंटिफाई द सिमिलर हेक्सागन इन द फॉलोइंग। सिमिलर में क्या था, शेप सेम होनी चाहिए, साइज का कोई फर्क नहीं है, हो सेम तो भी चल जाएगा, नहीं हो तो भी चल जाएगा, सेम होगा तो मैं कॉन्ग्रुएंट कह दूंगी और नहीं होगा तो सिमिलर कह दूंगी, तो यहाँ मुझे सिमिलर बताना है। तो देखो ए और बी और सी और डी चार ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से देखो किन की शेप एक जैसी है, मुझे तो सी और डी की शेप एक जैसी दिख रही है। हाँ साइज छोटा बड़ा है कोई बात नहीं, सिमिलर ही तो बताना है, पर सी और डी की शेप तो एक जैसी है ना, एक जैसी दिख रही है ना आप लोगों को, ए और बी की तो अलग है, ए की सी से भी नहीं मैच हो रही, डी से भी नहीं मैच हो रही, ना बी की ए से मैच हो रही, सी से मैच हो रही, डी से हो रही, इसका मतलब इसका आंसर सी एंड डी है, क्लियर। चलिए अब ये दो क्वेश्चन करने से पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं फिर ये दो क्वेश्चंस कर लेंगे। कह रहे सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल आर ऑफ एग्जैक्ट सेम शेप बट आर ऑफ डिफरेंट साइज। सिमिलर का मतलब ही यही है, शेप सेम होना, साइज डिफरेंट होना, सेम ट्राइंगल में भी यही कंसेप्ट है। दो ट्राइंगल दे दिए, ये सिमिलर जरूर है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इनका साइज अलग है। अब जब ये सिमिलर है तो जो एंगल ए है ये वाला एंगल डी के इक्वल है, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है और एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, ठीक है। अब जो इसकी साइड्स हैं वो सिमिलर रेशियोज में कैसे लिखी जाएंगी, ए बी अपॉन में डी ई, ठीक है ना, बी सी अपॉन में ई एफ, ए सी अपॉन में डी एफ। तो ए ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये है सिमिलैरिटी, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं अगर उनकी शेप सेम है, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उनके एंगल्स हम जो हमारे एंगल्स है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो लिख लेंगे और उनके साइड्स लिख लेंगे रेशो में, ठीक है। अब बात आती है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन से होते हैं, तो ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग थ्री साइड एंड थ्री एंगल्स, ये तो हमें पता ही है, जिसमें तीन एंगल और तीन साइड्स होती हैं और ये क्लोज्ड फिगर होती है।
टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एज शोन इन द फिगर. उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, प्लस वो सेम शेप और साइज के भी होने चाहिए. तो एंगल ए जो है, देखो यहाँ पर दो ये एंगल ए किसके इक्वल है, डी के इक्वल है. यहाँ तीन वाला ऐसे एंगल बना रखा है, तो जो सी है वो एफ के इक्वल है और जो बी है वो ई के इक्वल है. ठीक है, साइड्स देखो यहाँ पर दो डैश हैं, तो एडी जो एसी जो है वो एफ डीएफ के इक्वल है. ठीक है, सीबी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास बीसी, बीसी किसके इक्वल आ जाएगी, डीएफ के इक्वल है. ठीक है, और एसी जो है वो ईएफ के है और एबी जो है वो एडी के इक्वल है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्गुरेंट है और ये है कॉन्गुरेंसी का साइन. सिमिलैरिटी के साइन और कॉन्गुरेंसी के साइन में डिफरेंस है, देख लो यहाँ पर. क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं, दो क्वेश्चन इस पे बेस्ड है. कह रहा है इन द फिगर गिवन बिलो इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर आर सिमिलर देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, तो पहले हम यहाँ ट्राइंगल्स लिख लेते हैं. देखो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिख दूं, तो ए बी अपॉन में पी क्यू होगा, BC अपॉन में QR होगा और AC अपॉन में PR होगा, यही होगा. चलिए यूनिट्स लिखते हैं जो जो गिवन है. AB मुझे 7 गिवन है और AC 12 गिवन है, BC जो है वो 10 गिवन है. ठीक है, PR गिवन है, बाकी दोनों में से कुछ नहीं गिवन है. PR 18 गिवन है, PR 18 गिवन है, ये दोनों ही मुझको यहाँ पर निकालनी है. तो पहले इन दोनों को यूज कर लेते हैं, इक्वल है ना ये, तो 7 अपॉन में PQ इज इक्वल टू 10. अच्छा ये दोनों नहीं यूज कर सकते, क्यों? क्योंकि दोनों में ही PQ और QR नहीं पता है. तो ऐसा करते हैं इन दोनों को यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो 12 अपॉन में 18, अगर मैं इसको कट करूं तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 6 जा और 2 9 जा, देन 3 2 जा और 3 3 जा. यहाँ तक तो क्लियर है. तो 7 अपॉन में PQ जो है वो इक्वल टू में आ गया 2 अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 इज इक्वल टू 2 PQ आ जाएगा. ठीक है, तो यहां से मैंने अपना PQ निकाल लिया, वो कितना आ गया मेरे पास 21 अपॉन में 2. आप चाहो तो इसे पॉइंट में निकाल सकते हो, तो आपका PQ यहाँ पर आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर में ही होगी, यूनिट्स नहीं दे रखी है, तो कोई बात नहीं, सिर्फ 10.5 छोड़ देना. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, पर अभी PQ निकला है, एक और निकालना है QR. आपकी बार इन दोनों को एक बार रख लेते हैं, तो 10 अपॉन में QR इज इक्वल टू 12 अपॉन में 18, फिर इसको कट कर देते हैं, यहाँ पर 2 अपॉन में 3 आ जाएगा, तो 10 अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 इज इक्वल टू 2 क्यू आर आ गया, तो क्यू आर कितना आ गया आपके पास यहाँ पर 30 अपॉन में 2, तो क्यू आर मेरा यहां से निकल गया है 15. ये लो, दो निकालने थे, दोनों ही निकल गए. ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे. कह रहे हैं ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सारे सर्कल सिमिलर है, एंड सर्कल हैविंग सेम रेडियाई, जिनकी रेडियाई सेम हो तो वो क्या होंगे, फिर उनकी तो शेप भी सेम हो जाएगी, रेडियाई सेम होगी तो वो कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे. ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सिमिलर क्यों है, क्योंकि यूनिट्स अलग हो सकती है ना, लेंथ अलग हो सकती है, पर शेप तो स्क्वायर की सबकी सेम ही होती है, इसलिए सिमिलर है. ऑल द डैश ट्राइंगल आर सिमिलर, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इनकी भी यूनिट्स अलग हो सकती है लेकिन देखने में ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग, इनके एग्जाम्पल्स देने हैं आपको, डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर. आप यहां से भी दे सकते हैं, दोनों ही आपको गिवन है. ये रहे सिमिलर फिगर के, सिमिलर फिगर के चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, सर्कल ले लो एक, आप स्क्वायर ले सकते हो. ठीक है, फिगर बना देना, एक सर्कल बड़ा बनाना, एक छोटा बनाना, एक स्क्वायर बड़ा बनाना, एक छोटा बनाना. ठीक है ना, जिससे शेप अलग हो जाए. ठीक है, यहाँ पर शेप जो है सेम हो जाए, साइज अलग हो जाए, ये करना. कॉन्ग्रुएंसी में यही दो लिख देना, पेयर ऑफ इयररिंग्स लिख देना और एक ब्लैंक पेज ऑफ सेम नोटबुक लिख देना. ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास, फोर्थ है ना, क्वेश्चन फोर का फोर्थ पार्ट है ये. कॉन्ग्रुएंसी में लिख देना ये दोनों एग्जांपल्स, इयररिंग्स वाला और पेजेस वाला. ठीक है, सिमिलर वाले में मैंने बना ही दिया है आपका सर्कल और स्क्वायर बना दिया, छोटा बड़ा बनाना. ठीक है, ताकि साइज अलग हो जाए, सिमिलर वो है, कॉन्ग्रुएंट मत कर देना. ठीक है ना, तो इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट हो गई है. चलो अब एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को. कोई और मुझे कॉन्ग्रुएंट फिगर का एग्जांपल बताना,
जैसे यहाँ पर इयरिंग था और बुक का पेज था, कोई एक एग्जाम्पल और बताना जो कॉन्ग्रुएंट फिगर हो, और डेली लाइफ में से ही बताना, ऐसा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट मत बताना, ठीक है? तो जल्दी से सोचो, देखो आसपास कोई और ऐसी चीज है जो कॉन्ग्रुएंट होगी, अब फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है? इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, 24 बहुत आसान वर्कशीट थी। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।